नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो 8.4 द क्लॉज इज रिलेटेड टू परचेज प्रोसेस। सो इंश्योर द एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंफर्म द रिक्वायरमेंट। सो हमें जो भी बाहर से हम सर्विसेज ले रहे हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, और कोई हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउटसोर्स करा रहे हैं लाइक हीट ट्रीटमेंट और प्लेटिंग, और हम कुछ बीओपी ब्रॉट आउट पार्ट्स अगर हम ले रहे हैं, सो उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और हमारी रिक्वायरमेंट को। सो डिटरमाइन द कंट्रोल टू बी अप्लाइड। सो हमें ये आइडेंटिफाई करने की क्या क्या कंट्रोल्स हमें लगाने। So the product and services from external provider are intended to be backward integration. So अगर backward integration का मतलब पीछे हमें part के लिए क्या क्या inputs चाहिए, so like brought out parts हैं या हम raw material ले रहे हैं, so जो भी हमारे को product और services दे रहे हैं उनको हमें identify करना है, and the product and services are directly provided to customer on behalf of organization. सो कुछ सप्लायर्स को हम डेजिनेटेड कर देते हैं कि आप डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर दीजिए बट हमारे बिहाफ पे। सो ऐसे सप्लायर्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको कंट्रोल करना है। ए प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडेड एज रिजल्ट ऑफ डिसीजन बाय ऑर्गेनाइजेशन। सो कोई पार्ट ऑफ प्रोसेस मीन्स अगर बीच में हम कोई रफ टर्निंग है और उसके बाद हम कर रहे हैं, सो अगर कोई ऐसा भी हमारे को सर्विसेज दे रहा है तो उसे भी आइडेंटिफाई करके हमें उसको कंट्रोल। सो डिटरमाइन एंड अप्लाई क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस री इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन। सो हमें इवेल्यूएट करना है अपने सारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स का, उनको सिलेक्शन करना है। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे अपने सप्लायर्स को या जो भी हमें सर्विसेज दे रहे हैं, एंड उनकी परफॉर्मेंस वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी। सो वो हमें बीच बीच में मॉनिटर करना है ए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी लेवल, और हमें बीच बीच में आफ्टर सम पीरियड मीन्स मे बी एक साल बाद या छः महीने बाद उनको फिर दोबारा से री इवेल्यूएट करना है कि क्या वो आज भी कैपेबल है हमें सर्विसेज देने के लिए, एंड जो भी हम ये चार एक्टिविटीज करेंगे उसकी हमारे को पास इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है सो दैट कि आगे इवेल्यूएशन में काम आए। और हम इन चारों बेसिस पे इवेल्यूएट करेंगे और इवेल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर एक्शंस भी लेंगे। सो इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज। सो ये सब हम इंक्लूड करने सबको कंसीडर करना है, चाहे वो बीओपी पार्ट दे रहे हैं, चाहे वो जॉब वर्क कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, एंड ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इफेक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट जो कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है या कस्टमर के प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है या कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन सबको हमें इस दायरे में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये पांच हैं सब असेंबलीज। अगर कोई सप्लायर हमें सब असेंबली दे रहा है या कोई सिक्वेंसिंग करके दे रहा है मीन्स हमें क्या पहले कौन सा पार्ट दूसरा तीसरा इस तरीके से सीरियल में सिक्वेंस करके हमें कोई दे रहा है या शॉर्टिंग करके दे रहा है या रिवर्क कर रहा है या कैलिब्रेशन सर्विसेज कर रहा है, सो इन सबको हमें इंक्लूड करना है। सो सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमें ये सारी चीज़ें एटलीस्ट इंक्लूड करनी है। हमें सप्लायर को जब सेलेक्ट करेंगे तो उसका रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे विद रिलेटेड टू प्रोडक्ट कन्फर्मिटी और अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर। सो कोई भी सप्लाई में डिलीवरी के एस्पेक्ट से अगर कोई भी अनइंटरप्शन नहीं हो जो हम कस्टमर को सप्लाई कर पाए, एंड आल्सो प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन वो प्रोवाइड करें। क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस, सो हमें उसकी क्वालिटी देखनी है कि वो क्वालिटी कैसी दे रहा है ऑन दी कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी, सो लॉट टू लॉट और मंथ टू मंथ कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, प्लस हमें उसकी डिलीवरी की भी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, मतलब मॉनिटर भी करनी है एंड उसके ऊपर हमें देखना है कि वो बाकी कस्टमर्स को
उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस सप्लायर। इवेल्यूएशन ऑफ सप्लायर QMS, सो सप्लायर के एंड पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा इम्प्लीमेंटेड है, ISO 9000 है या IATF 16949 सर्टिफाइड कंपनी है। सो इसके बेस पे भी हमें सप्लायर को सिलेक्शन करना है, क्योंकि हमारी ऑटोमोटिव के अंदर सप्लायर एटलीस्ट मिनिमम ISO 9001 होने चाहिए। सो जब हम इसका डिसीजन लें कि हम ये सप्लायर को सेलेक्ट करें या नहीं, तो उसमें हम CFT या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करें। सो बाकी प्रोसेस ओनर से की भी फीडबैक लें और उनको भी इन्वॉल्व करें। अगर कोई सप्लायर हमें सॉफ्टवेयर दे रहा है तो उसकी सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी का भी असेसमेंट करें बिफोर एक सेलेक्टिंग दी सप्लायर। वॉल्यूम ऑफ ऑटोमोटिव बिजनेस, सो जो सप्लायर हम सेलेक्ट करें तो उसमें उसका हम देखें कि वो उसका वो कितना सप्लाई कर रहा है ऑटोमोटिव कस्टमर्स को, या ऑटोमोटिव में उसका कितना शेयर ऑफ बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियली वो कैश फ्लो वगैरह और फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है, कितने कितने ईयर से वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में है या हम पता कर सकते हैं कि उसका टर्नओवर कितना है, कितनी उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, कितने लोन्स हैं। सो उसके बेस पे भी हम सप्लायर को सेलेक्ट करें। परचेज प्रोडक्ट मटेरियल और सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी, सो हम क्या परचेज करने वाले हैं उससे, या क्या मटेरियल लेने वाले हैं, और अगर हम कोई सर्विस ले रहे हैं तो उस सर्विस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सो इसके बेस के ऊपर भी हम सबको सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, सो वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने में और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके पास किस टेक्नोलॉजी के हैं। एडिक्वेसी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, सो क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है और उसके पास सफिशेंट मैन पावर है या नहीं है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं उसकी, एंड हाउ ही डील विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उसके पास टीम है नहीं है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, सो दैट कि कोई नए प्रोडक्ट या नए लॉन्चेज आए तो उसमें वो हमें कितनी सपोर्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कितनी है उसकी, सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना कैपेबल है हमारी प्रोडक्ट को बनाने में, हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैपेबल है कि उस टॉलरेंसेस के अंदर वो प्रोडक्ट को बना सकता है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है, अगर कुछ चेंजेस आते हैं, अगर हम उसको कुछ बोलते हैं कि ये चेंज करें, तो क्या उसके पास चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड है, चेंज को वो अच्छी तरीके से हैंडल करता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, सो लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसके पास कि नहीं है, या कंटीजेंसी प्लान है कि नहीं है, सो अगर कुछ मिसहैपनिंग हो तो क्या वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है या हमें कंटिन्यू सपोर्ट कर सकता है। लॉजिस्टिक प्रोसेस उसके पास कैसा है, एंड कस्टमर को वो सर्विसेज ऑलरेडी अगर दे रहा है या क्या दे सकता है, सो इसके बेस पे हमें अपने सप्लायर को सेलेक्ट करना है। सो कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेज, सो कुछ केसेस के अंदर हमें कस्टमर बोलता है कि यहाँ से आपको परचेज प्रोडक्ट लेना है, या यहाँ से मटेरियल लेना है, या इसी सप्लायर से आपको सर्विसेज लेनी है, सो अगर कस्टमर ने स्पेसिफाई किया। बट 8.4 ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है IATF की, ये सारी एप्लीकेबल रहेंगी फॉर कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेज, या कस्टमर ने जो हमें सोर्स बताया है। अदरवाइज अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं ये एप्लीकेबल नहीं है, देन वी कैन, बट वो रिटर्न में चाहिए, देन वी कैन गिव ए वेवर। टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स, किस टाइप के हम कंट्रोल्स लगाएंगे, सो इंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट द कस्टमर द ऑर्गेनाइजेशन टू, सो हम ध्यान रखें कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े कस्टमर के ऊपर, या वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी दे रहा है, सो उसके ऊपर हमें क्या क्या कंट्रोल लगाने हैं। इंश्योर द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस रिमेन पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सो जो वो हमें पार्ट दे रहा है या जो भी हमें वो प्रोसेस दे रहा है, क्या वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है या नहीं है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होना जरूरी है। सो डिफाइन कंट्रोल फॉर ऑन बोथ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड और देयर आउटपुट्स, सो हमें सारे सप्लायर्स के ऊपर कंट्रोल लगाना है, प्लस जो उसकी आउटपुट आ रही है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हमें वो दे रहा है उसके ऊपर हमारे कंट्रोल्स क्या हैं। कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेसेस प्रोडक्ट सर्विस ऑन कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट, सो हमें ये भी देखना है कि वो जो हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है उसका कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट को वो मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। कंसीडर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर, सो हमें इफेक्टिवनेस जो हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं अपने सप्लायर से, सो उसके ऊपर भी हम कुछ कंट्रोल लगाएं।
determine the verification or other activity to ensure the customer requirement are meet. So hum verification means स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन में हम देखें कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा है. सो ये भी हम डिफाइन करें. सो इन केस ऑफ IATF रिक्वायरमेंट द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल्स आर हैव डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू आइडेंटिफाई आउटसोर्स प्रोसेसेस. सो हमें एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करे आउटसोर्स प्रोसेसेस का. आउटसोर्स प्रोसेसेस का मतलब है कि हम कुछ लाइक मशीनिंग या कुछ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम बाहर से करवा रहे हैं. सो BOP पार्ट्स इज नॉट कम्स अंडर आउटसोर्स प्रोसेस, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हम कुछ करा रहे हैं उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं सो दैट इज कवर्ड इन द आउटसोर्स प्रोसेस. हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू सेलेक्ट द टाइप एंड कंट्रोल यूज टू वेरीफाई कन्फर्मिटी ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस सर्विसेज टू कस्टमर इंटरनल एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. सो हमें डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस चाहिए कि हम कैसे उसके प्रोडक्ट को जो वो दे रहा है या सर्विसेज को वो दे रहा है या वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को करने के बाद दे रहा है हम उसकी रिजल्ट्स को कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे वेरीफाई कर रहे हैं कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को एज पर ड्राइंग है एज पर स्पेसिफिकेशन वो हमें दे रहा है, चाहे वो स्पेसिफिकेशन हमने डिसाइड किए हो या हमारे कस्टमर या कोई रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में वो दे रहा है. Include the criteria and action to increase to reduce the type and external extent of controls. So हमें कुछ actions लेने हैं कि so that कि हमें बार बार check ना करना पड़े. हमें इस type से action लेने कि वो direct online हो जाए DOL हो जाए. So उसको हमें कम जितना हो सके हमें कोशिश करना है कि वो हम controls को कम करें, मतलब बार बार हम हर lot को check ना करें या उसमें से sampling करें. तो उस टाइप के कंट्रोल्स को कम करने के लिए हमें एक्शंस लेने. सो इंक्लूड द क्राइटेरिया एक्शन टू इंक्रीज और रिड्यूस द डेवलपमेंट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन सप्लायर असेसमेंट एंड प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विसेज रिस्क. सो हमें ये बीच बीच में देखना है कि हमें उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाना है या घटाना है. सो अगर उसकी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी अच्छी है तो हम उससे डेवलपमेंट भी करा सकते हैं पार्ट को. अगर उसकी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी ठीक नहीं है तो हम उसे डेवलपमेंट ना कराएं और हम डायरेक्ट उससे पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराएं. तो इसको भी हमें असेस करना है. वेयर सप्लायर प्रोडक्ट पास थ्रू योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विदाउट वैलिडेशन कंट्रोल्स इंश्योर कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. सो अगर DOL है डायरेक्ट ऑनलाइन आ रहा है कि हमने जो भी सप्लायर हमें मटेरियल दे रहा है हम उसको चेक नहीं कर रहे सीधा लाइन पर जा रहा है तो हम इंश्योर करें कि उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कंट्रोल्स एडिक्वेटली लगे हुए हैं. So statutory and regulatory requirements. So documented process to ensure the purchased product or processes services conform to the current applicable statutory requirement. In so हम एक documented process बनाए जो कि ensure करे कि वो सारी applicable statutory and regulatory requirement को meet कर रहा है. So the country of receipt वो हमें ये भी देखना है कि वो legal statutory and regulatory requirement जहाँ पर हम material को receive कर रहे हैं, द कंट्री ऑफ शिपमेंट जहाँ से हम शिप कर रहे हैं, जहाँ से हम भेज रहे हैं या जहाँ पहुँच रहे हैं. सो और अगर उस पाथ से भी द कस्टमर डिफाइंड कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन इज प्रोवाइडेड. सो अगर कस्टमर ने बोला कि ये आपका प्रोडक्ट इस कंट्री में जाएगा सो हमें जहाँ से भी मटेरियल हम भेज रहे हैं और जहाँ मटेरियल जा रहा है और जहाँ पर वो फाइनल डेस्टिनेशन पर जाएगा उन सब कंट्रीज के लीगल और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए. सो ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. You have to go to identify the legal statutory and regulatory requirement of respective country and we have to see कि हम वो requirements को meet कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो ये हमारे केस में भी applicable है because हम किसी और के supplier हैं और हमारे सब suppliers या हमारे suppliers के लिए भी applicable है. Ensure the implementation and maintenance of customer defined special control on product with statutory and regulatory requirement. तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो सारी सैचुरेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मेंटेन हैं और इम्प्लीमेंटेड है और उसके ऊपर हमने कोई स्पेशल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं सो दैट कि वो रिक्वायरमेंट्स आउट ऑफ स्पेक ना हो जाए. सो सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट. सो हमें अपने सप्लायर्स का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप करना है. सप्लायर टू ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विद एन ऑब्जेक्टिव टू बिकम ए सर्टिफाइड टू IATF 16949. तो अल्टीमेट गोल ये है कि हमारा सप्लायर IATF 16949 सर्टिफाइड हो जाए.
उसको ध्यान में रख करके हमें अपने सप्लायर को डेवलप करना है। बेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस डिफाइन ए मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट एंड टारगेट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट लेवल ऑफ ईच सप्लायर। सो हमें टारगेट डिसाइड करने हैं कि कौन से सप्लायर को ISO 9001 तो मिनिमम है ही, उसके बाद हम उसको कब तक ISO 16949 में लेके जाएंगे। और रिस्क के आधार पर अगर बल्क सप्लायर है तो मे बी वो ISO भी रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसका शेयर ऑफ बिजनेस इन ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत कम हो, सो ही डोंट वांट टू गो इनटू द सर्टिफिकेशन ऑफ ISO 16949 अनलेस अदरवाइज ऑथराइज बाय कस्टमर। द सप्लायर ISO 9001 सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट। सो मिनिमम ISO 9001 सप्लायर को होना ही चाहिए अगर कस्टमर ने वेवर रिटर्न में नहीं दिया है तो। सो सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट जो डेवलपमेंट हमें करना है बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल रिस्क टू कस्टमर। सो आने वाले टाइम में कस्टमर को क्या रिस्क हो सकती है और उसकी करंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू मूव सप्लाई डेवलपमेंट थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्रेस। सो इस तरीके से हम उसको स्टेप बाई स्टेप उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है। सबसे पहले तो सर्टिफाइड टू ISO 9001 थ्रू थर्ड पार्टी CB बियरिंग एन एक्रीडिटेशन मार्क ऑफ IFA MLA मेंबर वेयर एक्रीडिटेशन बॉडी स्कोप इंक्लूड दी सर्टिफिकेशन टू ISO 17021। सो हमें जब ISO 9001 के सर्टिफिकेट आते हैं तो ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि जब भी हमारा सप्लायर हमें अपना ISO का सर्टिफिकेट देता है तो उसमें IAF का लोगो होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी सर्टिफिकेशन बॉडी ने उसको सर्टिफाई किया है क्या वो सर्टिफिकेशन बॉडी IAF का मेंबर है या नहीं है। सो जब भी हम अपने सप्लायर से सर्टिफिकेट लें तो ये इंश्योर करें कि उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर IAF का लोगो होना चाहिए। सर्टिफिकेशन टू ISO 9001 कंप्लायंस टू कस्टमर डिफाइंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट थ्रू सेकेंड पार्टी ऑडिट। तो सेकेंड पार्टी ऑडिट का मतलब है कि हम एज ए कस्टमर हम अपने सप्लायर का ऑडिट करें और हम उसको 9001 के बाद हम कोशिश करें कि उसके पास मिनिमम कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए लाइक कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स उसके पास इंप्लीमेंटेड हो, कंट्रोल प्लान और ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच। सो एटलीस्ट ये चीज़ें वो उसके लिए हम उसको डेवलप करें। सर्टिफिकेशन टू ISO 9001 विद कंप्लायंस टू ISO 16949 थ्रू सेकेंड पार्टी। सो हम ISO 16949 के रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करें वहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा। एंड लास्ट स्टेज इज कि वो खुद अपना सर्टिफिकेशन करे फ्रॉम दी IAT रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन बॉडी। नाउ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सो अगर वो कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट दे रहा है या उसके प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ है कि वो बाद में कस्टमर एंड पे जा करके वो किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करता है तो उस केस में हमें क्या करना है। सप्लाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सच प्रोडक्ट और टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ए प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर देयर प्रोडक्ट। सो वो अपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को अपने यहाँ लगाए, वो चेक करे कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, उसके ऊपर बार बार वो क्वालिटी को वेरीफाई करे। इसमें वो सॉफ्टवेयर के सर्टिफिकेशन भी अपना करा सकता है, तो ये भी एक रिकमेंडेड है। दिस इज एडिशनल फ्रॉम माई साइड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असेसमेंट मेथोड टू बी यूटिलाइज टू असेस द सप्लायर सॉफ्टवेयर। सो हम सप्लायर का सॉफ्टवेयर भी वेरीफाई करें, उसका डेवलपमेंट का तरीका देखें कि वो कौन से तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है सॉफ्टवेयर का, उसके पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, सो दैट हैज़ टू बी असेस। सप्लायर टू ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। सो वो अपना सेल्फ असेसमेंट भी करें कि उसके सॉफ्टवेयर को वो ये सिमुलेशन करके चेक करें या किसी भी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को वो डिक्लेयर करे कि वो ओके नॉट ओके, और उसका वो सेल्फ असेसमेंट करे और उसका वो डॉक्यूमेंट रिटेन करे जो उसने इवेल्यूएट किया अपने आप को। सप्लायर मॉनिटरिंग, जब हमारे पास हमने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया उसके ऊपर कंट्रोल्स लगा दिए, जब वो हमें सप्लाई करे तो रेगुलरली हमें उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है। उसके मिनिमम क्राइटेरिया दिए हुए हैं, एटलीस्ट 6 क्राइटेरिया है। सो ऑर्गेनाइजेशन टू हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू क्राइटेरिया टू इवेल्युएट सप्लायर परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विसेज एट लीस्ट मॉनिटर द फॉलोइंग। सो ये चीज़ें हमें मिनिमम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। सो डिलीवर प्रोडक्ट कन्फर्मेटी टू रिक्वायरमेंट। सो जो वो पार्ट हमें दे रहा है या जो सर्विसेज दे रहा है क्या वो कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या हमारे स्पेसिफिकेशन को मीट कर रही है। सो मे बी क्वालिटी रेटिंग या रिजेक्शन PPF।
customer disruption at plant or stock yard holds or stops shipment. So customer के end पे उसके कारण से कोई line तो नहीं बंद हुई या stock yard पे उसका material कम तो नहीं है या वहाँ पे material hold तो नहीं हो गया या कोई उसके कारण कोई shipment हमारी बंद तो नहीं हो रही कि उसके कारण हम customer को supply नहीं दे पा रहे. So उसके related हमें criteria बनाना है, delivery schedule performance, क्या वो time से माल दे रहा है और जो हमारी डिलीवरी रिक्वायरमेंट है उसको वो किस लेवल पे मेंटेन कर रहा है. मिनिमम आज की डेट में रिक्वायरमेंट है कि 100% डिलीवरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए सप्लायर्स की, सो दैट कि कस्टमर की लाइन स्टॉप ना हो. नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ प्रीमियम फ्रेट, सो प्रीमियम फ्रेट का मतलब है कि एडिशनल फ्रेट अगर वो बाई एयर या बाई ट्रेन, अगर उसका हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्रीमेंट है कि वो बाई ट्रक भेजेगा लेकिन अर्जेंसी के कारण उसको दूसरे मोड से भेजना पड़ता है, तो उस टाइप के कितने इंसिडेंट हो रहे हैं या उस टाइप की कॉस्ट कितनी आ रही है उसके बेस के ऊपर भी हमें उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है. स्पेशल स्टेटस ऑन क्वालिटी डिलीवरी इफ प्रोवाइडेड बाय कस्टमर, सो अगर IATF सब्सक्राइबिंग कस्टमर है हमारे तो वो रिक्वायरमेंट भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है. सो अगर वो कोई स्पेशल स्टेटस में हम जाते हैं तो उसके भी हम मार्क्स को डिटेक्ट करें. डीलर रिटर्न्स, अगर उस सप्लायर्स के कारण कोई डीलर के रिटर्न्स आ रहे हैं, वारंटी आ रही है या फील्ड एक्शंस या रिकॉल्स आ रहे हैं अगर कस्टमर हमें प्रोवाइड करता है तो उसके भी हम उसके बेस के ऊपर भी हम उसको मॉनिटर करें. नाउ कम टू द सेकंड पार्टी ऑडिट. सेकंड पार्टी ऑडिट मींस हम लोग अपने जाकर के सप्लायर का ऑडिट करें. सो इंक्लूड ए सेकंड पार्टी ऑडिट अप्रोच इन सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच. सो द सेकंड पार्टी ऑडिट मे बी यूज टू द फॉलोइंग. सो हमें किस बेस पे सेकंड पार्टी ऑडिट करना है, सारे सप्लायर्स का करने की जरूरत नहीं है, हमें उसका रिस्क असेसमेंट करना है किसका परफॉर्मेंस खराब है या सप्लायर कौन सा क्रिटिकल पार्ट दे रहा है या उसका शेयर ऑफ बिजनेस हमारे साथ कितना है. तो हमें रिस्क के आधार पर सेलेक्ट करना है कि किस किस सप्लायर का हम ऑडिट करेंगे, उसकी सप्लायर मॉनिटरिंग के बेस के ऊपर कितनी रेटिंग है, कितनी ख़राब है, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो ISO 9000 सर्टिफाइड है या वो अभी ISO 9000 सर्टिफिकेशन के बाद उसने कस्टमर रिक्वायरमेंट को कंट्रोल प्लान और मिनिमम IATF अप्रोच को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या इफेक्ट है, सो प्रोडक्ट ऑडिट हम करें. अगर प्रोसेस के कारण कुछ कंप्लेंट्स या कुछ आ रही है तो हम उसका प्रोसेस ऑडिट करें. बेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस, रेगुलेटरी एंड रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट सेफ्टी. सो अगर वो कोई हम एनालिसिस रिस्क एनालिसिस करें अपने सप्लायर का कि कोई सेफ्टी प्रोडक्ट तो वो नहीं दे रहा है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कैसा मीट कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसका सर्टिफिकेशन लेवल क्या है. सो डॉक्यूमेंट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द नीड टाइप फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप ऑफ सेकंड पार्टी ऑडिट. सो यहाँ पर विशेष ध्यान रहे कि इसका हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि हमने कैसे अपना प्लान बनाया सेकंड पार्टी ऑडिट का या हमने सप्लायर ऑडिट का प्लान कैसे बनाया और उसका किस फ्रीक्वेंसी पर हम करेंगे. कुछ सप्लायर को हो सकता है हमें हर मंथ जाना पड़े जो हमारे को आउटसोर्स प्रोसेस करके दे रहे हैं क्योंकि हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे कंट्रोल वेरीफाई करना है या उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर. सो जब भी हम सप्लायर ऑडिट का प्लान बनाएं तो उसका हमारे पास बैकअप डाटा होना चाहिए कि हमने किस डाटास को देख करके इन सप्लायर्स को सेलेक्ट किया है. रिटेन द रिकॉर्ड ऑफ सेकेंड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट, सो हम उनके रिकॉर्ड्स को भी मेनटेन करें जो भी रिजल्ट आए सेकेंड पार्टी ऑडिट के. इन द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट कंडक्ट प्रोसेस अप्रोच ऑडिट. सो जब हम सप्लायर का ऑडिट करें तो प्रोसेस अप्रोच को यूज़ करें एंड यूज़ IATF ऑडिटर गाइडलाइन और ISO 9011 फॉर ऑडिट गाइडेंस. सो ये IATF की ऑडिटर गाइड मीन्स अकेदी सेकेंड पार्टी ऑडिट जब हम करें तो सेम जैसे थर्ड पार्टी हमारा ऑडिट करती है सो उसकी गाइडेंस के हिसाब से हम उसको ऑडिट को करें. सप्लायर डेवलपमेंट, डिटरमाइन द प्रायोरिटी टाइप एक्सटेंडेड टाइमिंग ऑफ रिक्वायर्ड सप्लायर development action for its active suppliers include the inputs. So हमें identify करना है कि हम कैसे उसको prioritize कर रहे हैं, कैसे किस supplier को हम पहले कर रहे हैं, उसकी timings क्या रहेगी. So उसके अगर उसके ऊपर हमारे कुछ negative points हम दे के आएँ, कुछ observation दे के आएँ तो वो actions वो ले और उसको close करें. Performance issue identify through supplier monitoring. So performance के कुछ issues हैं supplier monitoring के through अगर निकल के आ रहे हैं. सेकेंड पार्टी की फाइंडिंग्स कैसी हैं और थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन की NCs कितनी है, उसका रिस्क एनालिसिस कैसा है, तो उसके बेस पे भी हम सप्लायर का डेवलपमेंट करें.
implement action necessary to resolve open performance issue related to pursue opportunity for continual improvement. So supplier को हमें focus करना है कि वो improve करे, so उसके base पे हम उसको अपने suppliers को develop करें. So information for external providers, so ensure adequacy of requirement to prior to communication, communicate the following requirement of external providers. So हम कैसे communicate करें अपने supplier के साथ जो हमें एक्सटर्नली वो जो हमें सर्विसेज या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे रहा है, सो वो प्रोसेस और प्रोडक्ट और सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, वो क्या प्रोडक्ट देगा, क्या प्रोसेस देगा, क्या सर्विस देगा और उसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे. सो एटलीस्ट ये हम उसको क्लियर कट बताएं, अपने पीओ में मे बी स्टैंडर्ड के रेफरेंस दें, अपने इनकमिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस दें, उसको ड्राइंग्स के रेफरेंस दें. सो द अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो हमें वो प्रोडक्ट और सर्विस हमें देगा तो हम उसको कैसे ओके नॉट ओके करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा चेक करने का, वो किस रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे, तो वो हम उसको क्लियरली बताएं. एंड हमारा मेथड क्या होगा चेकिंग का, हमारे प्रोसेस के और इक्विपमेंट्स हम किस वर्नियर से आईडी से किस इक्विपमेंट से चेक करेंगे, तो मे बी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड या कंट्रोल प्लान हम उसको देते हैं या ड्राइंग देते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं. इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड भी हम अपने सप्लायर को दे सकते हैं, जिसके अंदर भी सब कुछ आता है कि हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, किस फ्रीक्वेंसी पे चेक करेंगे और क्या हमारा सैम्पलिंग प्लान होगा जब वो हमारे पास उसके पार्ट्स आए. द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो हम उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे ओके नॉट ओके करेंगे. कॉम्पिटेंसी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन एज रिक्वायर्ड, सो जो भी वो हमें सप्लाई कर रहा है तो वो पीडीआई रिपोर्ट या फाइनल इंस्पेक्शन कर रहा है, तो उसके पर्सन कितने क्वालिफाइड है, और हम ये भी बताएं कि हमारे पर्सन भी कितने क्वालिफाइड है, सो दैट कि अलाइनमेंट हो सके सप्लायर का और हमारा. सो इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, बीच बीच में हम उसके साथ कम्युनिकेट करें मेल के थ्रू और बाई फोन, सो दैट कि उसको रिक्वायरमेंट्स क्लियर करता हूँ, अगर रिक्वायरमेंट में कोई चेंज है तो वो हम टाइम टू टाइम बताएं. कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर परफॉर्मेंस, सो हम बार बार मॉनिटर करें कि उसका क्वालिटी और डिलीवरी इशूज़ तो नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज बाय कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन एट एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोवाइडर परमिसेस, सो हम वहाँ पे सप्लायर एंड पे जा करके उसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वेरीफाई करें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और अगर वैलिडेशन की एक्टिविटी भी अगर हमें करनी पड़े तो हम कस्टमर भी जा सकता है और हम भी जा सकते हैं. सो इस टाइप की चीज़ें हम रेगुलरली बेसिस पे करते रहें. नाउ लास्ट क्लॉज इज 8431, इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, सो पास डाउन ऑल एप्लीकेबल सैचुरिटी रिक्वायरमेंट एंड स्पेशल प्रोडक्ट प्रोसेस करेक्टरिस्टिक टू द सप्लायर. सो ये हम उसको सारी सैचुरिटी और रिक्वायरमेंट क्या हैं, आपका जो आप हमें सप्लाई कर रहे हैं क्या वो स्पेशल प्रोडक्ट है या प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये क्लियरली हम उसको कम्युनिकेट करें. डिमांड आस्क अप्लायर टू कैस्केड ऑल एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट डाउन द सप्लाई चेन टू द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर. सो हम अपने सप्लायर को ये भी बोले कि वो अपने सब सप्लायर के ऊपर भी ये सारी रिक्वायरमेंट जो अभी हमने रिव्यू की है 8.4 क्लॉज में वो इम्प्लीमेंट करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी हैव कवर्ड द कम्प्लीट 8.4 क्लॉज. सो